कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मिशन जीरो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संपूर्ण मुंबई में सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के बाद मिशन जीरो ने अब ठाणे में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अपने कदम उठाए हैं। ठाणे महानगर पालिका ने नागरिकों के कोरोना टेस्टिंग से रिपोर्ट मिलने तक के समय को कम करते हुए कोरोना हॉटस्पॉट्स में जाकर उधर ही तुरंत कोरोना टेस्टिंग करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस उपक्रम से कोरोना संक्रमण रोकने के साथ ही मृत्यु दर घटाकर ठाणे को कोरोना मुक्त करने में मदद मिलेगी। ठाणे महानगर पालिका ने 13 जुलाई को मिशन जीरो उपक्रम की शुरुआत की। इस उपक्रम को ठाणे के पालक मंत्री तथा नगर विकास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र राज्य गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, विधायक राजन विचारे, ठाणे महापौर नरेश म्हस्के, ठाणे महानगर पालिका आयुक्त विपिन शर्मा, क्रेडाई MCHI के दीपक गोराडिया, धर्मेश जैन, नैनेश शाह, राजुल वोरा, भारतीय जैन संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रशासन के पदाधिकारी, मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा के सभी डॉक्टर्स और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम की प्रस्तावना धर्मेश जैन ने की। सर, मुझे आज कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, पिछले 3 महीने में सर हमने मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा के माध्यम से 15 लाख लोगों को ट्रीटमेंट दिए एंड ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं सर, जब तक ऑल ऑफ अस डू नॉट फील के थाने इज 100% कंट्रोल एंड थाने में एक्चुअली काउंट ऑफ जीरो कर पाए, तब तक हम इसके लिए काम करते रहेंगे। उपस्थित मान्यवरों ने मिशन जीरो के बारे में विचार प्रस्तुत किए। हम डेफिनेटली इवेंचुअली आप कहेंगे वैसे जहाँ जहाँ जरूरत रहेगी वहीं पे वो एम्बुलेंस मोबाइल एम्बुलेंस सेवा लेके जाएंगे। हमारा सबका मिशन रहेगा कि भाई कोरोना हारे और हम इस तरह से आगे बढ़े। जैसा मुंबई मध्ये चेस द वायरस आणि मिशन जीरो चा एक सक्सेसफुल प्रयोग धारावी आणि इतर भागामध्ये झाला, त्याप्रमाणे ठाण्यामध्ये असं काहीतरी करावा अशी आपली सूचना होती। त्यानुसार आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम सुरू केलेच आहेत। या दरम्यान भारतीय जैन संघटनातर्फे त्यामध्ये आम्हाला असं वाटलं की या सुरू केल्यानंतर आम्हाला आमचे जे प्रयत्न आहेत कोरोनाच्या लढाईमध्ये त्याच्यामध्ये आम्हाला मदत होईल। अशा परिस्थितीमध्ये डॉक्टर्स, नर्सेस, पोलीस आणि महानगरपालिकेचे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, नर्सेस जे फ्रंटलाईन वर्कर्स आहेत ते इतकं धडाडीचं काम करत आहेत। MCHI, क्रेडाई आणि भारतीय जैन संघटना, देश अपनाए आणि ठाणे महापालिका याच्या संयुक्त विद्यमाने आपण मिशन झिरो आज या ठिकाणी एक चांगलं कन्सेप्ट आपण राबवण्याला सुरुवात करतो आहे। हे मिशन झिरो यशस्वी होईल आणि या ठाण्यातला जो काही कोविड पेशंट आहे तो शून्यावर येईल अशा प्रकारची आपण सगळ्यांनीच अपेक्षा व्यक्त करूया। कोरोना को हराने के बुलंद इरादों के साथ ठाणे के पालकमंत्री तथा नगर विकास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मोबाइल डिस्पेंसरी वैन्स को हरी झंडी दिखाकर मिशन जीरो की विधिवत रूप से शुरुआत की। मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा के माध्यम से भारतीय जैन संगठन, देश अपनाए और क्रेडाई MCHI के ठाणे डिपो से 9 सुसज्जित वैन्स द्वारा ठाणे में ये सेवा संचालित की जाएगी। मिशन जीरो ठाणे को कोरोना मुक्त करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम से पूरे शहर में सकारात्मक वातावरण निर्माण हो रहा है। सुयोग्य नियोजन के साथ प्रशासन से कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना को हराने के लिए सभी योद्धा तैयार हैं।